एक महीने में कम करना चाहते हैं, चाहते हैं आपकी 36 की कमर 32 की हो जाए, तो डेफिनेटली आपको आज का मेरा वीडियो फॉलो जरूर करना चाहिए। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आप भी जबान और शरीर इन दोनों की लड़ाइयों में फंसे हुए हैं? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईशा क्या ऊटपटांग बातें कर रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऊटपटांग नहीं, बल्कि ये रियलिटी है। जबान और शरीर ये एक ऐसी चीजें हैं हम जिसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो लोग जबान की साइड जाते हैं उनका शरीर बहुत ज्यादा फूला हुआ नजर आता है, मोटे होते हैं, पेट पे चर्बी, शरीर पे चर्बी, इंटरनली बॉडी आपकी खोखली हो जाती है, बीमारियां आपको घेरने लगती हैं। और जो शरीर से प्यार करते हैं यानी शरीर की लड़ाई जीत जाते हैं, डेफिनेटली उनका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ होता है, बाहर से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो क्यों ना एक ऐसा दिन की शुरुआत करें कि दूसरा हमारी तारीफ करने से पहले शीशा हमें बोले कि वाह आज क्या लग रही हूँ, है ना? ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपको अपनी जबान की लड़ाई को हराना होगा, मतलब आपकी जबान जो बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आपको होती हैं, है ना, वो किस लिए होती हैं? क्योंकि आप अपनी जबान को जीतने देते हैं, मतलब जो मन करता है वो खा लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन बाद में करते करते मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज से ही जबान को कंट्रोल रखें और शरीर को सुंदर बनाने के लिए वर्कआउट करें और डाइट सिंपल लें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बहुत सारे पैसे महंगे महंगे डाइटिशियन पे जाके इन्वेस्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। घर का सादा खाना खाएंगे और हल्का फुल्का व्यायाम कर लेंगे ना, मेरे चैनल में से कोई भी एक्सरसाइजेस कर लेंगे, डेफिनेटली बहुत सुंदर फिजिक हो जाएगा आपका। और जब हम अच्छा खाना खाते हैं उसका सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है? हमारे स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो चलिए अब आपके ऊपर है कि आप जबान की लड़ाई जीतेंगे या फिर शरीर की, मुझे आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको पीठ के बल मैट पे आराम से लेट जाना है। लेटने के बाद अपने हैंड्स को पीछे लेकर जाना है और पूरी फोर्स के साथ आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। कैसे? हम जब लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे तो हमने ब्रीथ आउट करना है, वापस जाएंगे तो सांस खींचना है, और इस पूरे प्रोसेस में यानी वीडियो के एंड तक आपको अपने पेट की मसल को खींच के रखना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है फर्स्ट एक्सरसाइज। इसको आपने करना है 20 टाइम रुपीस और इसके आपने करने हैं 4 राउंड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने पीठ केबल मैट पे लेट जाना है, लेग्स को इस तरीके से फोल्ड रखना है और उसके बाद में अपने हैंड्स को यहाँ पर प्लेस करना है हेड पर। उसके बाद आपने अपनी एल्बो से अपने ऑपोजिट नी को टच करना है, ऐसे ही वन बाय वन आपने शिफ्ट करते जाना है। और जब आप इस साइड और अदर साइड करेंगे तो ये होगा आपका 1। ऐसा आपने करना है पूरी एक्सरसाइज को 20 टाइम्स रिपीट और इसके आपने करने हैं 2 राउंड्स। यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से लेग्स को फोल्ड रखना है। आप अपने हैंड को यहाँ पर हेड पे प्लेस करेंगे और स्लाइटली सा अपनी बॉडी को आप अपसाइड लेकर आएंगे। कैसे? ब्रीथ आउट करना है, पेट को खींच के रखना है। रिपीट करेंगे 20 टाइम्स और इसके हम करेंगे 3 राउंड्स। जब आप 1 राउंड में 20 बार उसको रिपीट करेंगे लिटरली आपकी हिम्मत जवाब देगी, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी। सपोज अगर आपने सोचा कि मैं थोड़ी मिनट चेयर पर बैठ जाता हूँ, बेड पे बैठ जाता हूँ या थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, मोबाइल देख लेता हूँ, तो आपका वो एंगेजमेंट खत्म। और जब एंगेजमेंट खत्म तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जहाँ जहाँ प्लेस कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको मत छोड़ना, आपका मूड एकदम से शिफ्ट होगा और आप भूल जाओगे आज का वर्कआउट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपकी 1 लेग तो डाउन रहेगी इस तरीके से फोल्ड, अदर लेग को आपने स्ट्रेट करना है, देन डाउन, फिर उस अदर साइड वाली लेग को आपने अप
एंड डाउन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अप एंड डाउन करना है 10 times। उसके बाद आपने दोनों लेग्स को इस तरीके से होल्ड रखना है और वन लेग डाउन फिर अदर लेग अप, ऐसे आपने शिफ्ट करते रहना है, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट 10 में आपको डाउन रखना है और अदर बाकी जो 20 हम करेंगे तो इस तरीके से आपने इसको प्रोसेस करना है। जब आप ये करेंगे दिखने में आपको बहुत ईजी लग रहा होगा कि मैं फटाफट से कर दूंगी, लेकिन जब करोगे तो पता लगेगा कि इसका एक्चुअल रिजल्ट कहाँ आपको फील हो रहा है। मुझे कमेंट करके बताना आपको कहाँ पेन हो रहा है, ठीक है। और आपने इसको करना है 30 times, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और इसके आपने करने हैं सिर्फ 2 rounds, बहुत कम राउंड दे रही हूँ, तो 30 times से पहले आपको स्टॉप नहीं होना। पेट को खींच के रखिएगा, ऊपर जा रहे हैं, ब्रीथ आउट, लेग आपकी डाउन जा रही है, ब्रीथ इन। रिलैक्स। तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री होते हैं, सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइज आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और स्टार्टिंग का थोड़ा सा जो मेरा ज्ञान था ना, अगर मेरी इतनी बड़ी फैमिली में से थोड़े बहुत लोगों ने भी मुझे फॉलो कर लिया और उस पर अमल कर लिया ना, तो बस ईशा का काम बन गया कि एटलीस्ट मैंने किसी की लाइफ को तो अच्छा किया है ना। अपनी ईशा का दोबारा से इंतजार करना, कल मिलूंगी, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करना, आई ईशा मेहरा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।